हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल भी इसको बोल सकते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होगा कहाँ से? पॉलन मदर सेल से, थ्रू मियोसिस। इसमें जो प्रोसेस चलेगा वो मियोसिस होगा। और जब यही माइक्रोस्पोर मैच्योर होता है तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, और पॉलन ग्रेन जो होता है किसी भी मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल बोला जाता है पॉलन ग्रेन को। ठीक। अब माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू, ये जो होगा प्रेजेंट होगा सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, इसमें पॉलन मदर सेल होगा, पीएमसी होगा, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा थ्रू मियोसिस। पॉलन मदर सेल या फिर इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं। और माइक्रोस्पोर टेट्राड आगे चलकर पॉलन ग्रेन्स बनाएगा। अब पॉलन ग्रेन जो होगा रिप्रेजेंट करेगा मेल गैमेटोफाइट को। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो स्फेरिकल होता है और डायमीटर 25 टू 50 μm, मतलब माइक्रोमीटर। अब इस पॉलन ग्रेन जो होगा वो दो लेयर का बना होगा, एग्जाइन और इंटाइन। एग्जाइन जो होगा वो आउटर मोस्ट लेयर होगा और इंटाइन जो होगा वो इनर मोस्ट लेयर होगा। अब एग्जाइन जो होगा वो कंपोज्ड होगा स्पोरोपोलेनिन। एग्जाइन जो होगा स्पोरोपोलेनिन का बना होगा, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन जो होता है मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। दुनिया का सबसे ज्यादा रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल स्पोरोपोलेनिन ही होता है। इस पे कितना भी हाई टेम्परेचर दे दें, कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड दे दें, अल्कली दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है स्पोरोपोलेनिन को। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये भी लाइन एनसीईआरटी का दिया गया है। नो एंजाइम दैट डिग्रेडेट्स स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन। कोई एंजाइम ऐसा नहीं बना आज तक जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके। अब है इंटाइन। इंटाइन जो होगा थीन और कंटिन्यूअस लेयर होगा, कंपोज होगा सेलुलोज और पेक्टिन से। एट मेच्योरिटी पॉलन ग्रेन्स कंसिस्ट ऑफ टू सेल्स, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होगा वो बिगर इन साइज होगा और मेनली इसका काम होगा स्टोर फूड, फूड स्टोर करने का काम होगा, और इसका न्यूक्लियस भी बड़ा होगा और जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस छोटा होगा। और वेजिटेटिव सेल जो है ना यही आगे चल के पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। अब जनरेटिव सेल जो होगा स्मॉल होगा और डिवाइड टू फॉर्म टू मेल गैमेट्स इनसाइड द पॉलन ट्यूब। दो मेल गैमेट फॉर्म करेगा ये इनसाइड पॉलन ट्यूब। अब जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये लाइन एनसीईआरटी का दिया गया है। जनरेटिव सेल जो होगा वो स्मॉल होगा और फ्लोट करेगा साइटोप्लाज्म में वेजिटेटिव सेल के। इन केस ऑफ 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पॉलन ग्रेन्स आर सेड एट टू सेल्ड स्टेज और 40% में थ्री सेल्ड स्टेज पे ये सेड होता है। अब वायबिलिटी देखते हैं पॉलन ग्रेन्स का। राइस और व्हीट का देखिए तो 30 मिनट ही होता है, और रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलानेसी फैमिली का अप टू मंथ्स दिया गया है एनसीईआरटी में। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।